हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों आज है 9 अगस्त और इस वीडियो में हम 9 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 4 वर्षों के लिए किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने 4 वर्षों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है, एस गुरुमूर्ति को और सतीश काशीनाथ मराठे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर हैं उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर एक नए लोगो का अनावरण किया है? तो अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर एक नए लोगो का अनावरण किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। अगला प्रश्न है, गोवा में पहली और एकमात्र ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू हुई, इसका क्या नाम है? तो गोवा में पहली और एकमात्र ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू हुई है और इसका नाम है गोवा माइल्स। और गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर और राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा, और गोवा की राजभाषा है कोंकणी। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए कक्षा में संचार उपग्रह भेजने के लिए अपने फाल्कन 9 रॉकेट बूस्टर के लेटेस्ट वर्जन को फिर से लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के लिए कक्षा में संचार उपग्रह भेजने के लिए अपने फाल्कन 9 रॉकेट बूस्टर के लेटेस्ट वर्जन को फिर से लॉन्च किया है। और स्पेस एक्स के सीईओ हैं इलॉन मस्क। और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और करेंसी है रुपया। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर से भिक्षा पर प्रतिबंध को हटा लिया गया है? तो भिक्षा पर प्रतिबंध को हटा लिया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का निधन हो गया, वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कितनी बार रह चुके हैं? तो हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का निधन हो गया और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 बार। ये 1969 और 2011 के बीच 5 बार और 20 सालों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न, किस खेल टूर्नामेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली का उपयोग किया जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली का उपयोग किया जाएगा 2020 के टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एस्कॉर्ट्स ग्रुप का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया है? तो हाल ही में एस्कॉर्ट्स ग्रुप का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया है निखिल चंदा को। निखिल चंदा से पहले इनके पिता राजन चंदा एस्कॉर्ट्स ग्रुप के चेयरमैन थे, लेकिन हाल ही में राजन चंदा का निधन हो गया है इसलिए निखिल चंदा को एस्कॉर्ट्स ग्रुप का चेयरमैन बनाया जाएगा। और एस्कॉर्ट्स ग्रुप ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकतंत्र का त्यौहार कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकतंत्र का त्यौहार कार्यक्रम का उद्घाटन किया केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल ऐप DND 2.0 और माई कॉल को किस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की घोषणा की है? तो ट्राई ने मोबाइल ऐप DND 2.0 और माई कॉल को
उमंग ऐप के साथ जोड़ने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और कल मैंने क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त और लगभग सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। और राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।